नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और लेकर हाजिर हूं आपके लिए देश प्रदेश की बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा हेडलाइंस पर। अब तक की बड़ी खबर, निर्भया कांड में दोषी पवन की याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। कोरोना वायरस के चलते पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा समेत कई नेता नहीं खेलेंगे होली। पंजाब विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए हुई स्थगित, हरियाणा में कार्यवाही जारी। क्रिप्टो करेंसी पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई आरबीआई के फैसले को पलटा। दिल्ली हिंसा पर होली के बाद भी होगी चर्चा, सरकार के प्रस्ताव पर विपक्ष का हंगामा। हरियाणा सरकार में पूर्व विधायक ललित नागर के घर पर ईडी की छापेमारी। अब खबर विस्तार से। दिल्ली तक पहुंच चुके घातक कोरोना वायरस की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत अनेक नेताओं ने फैसला लिया है कि इस बार कोरोना वायरस के चलते होली नहीं खेलेंगे। कोरोना वायरस को लेकर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जहां 25 लोगों में कोरोना वायरस होने की पुष्टि की है, जबकि चंडीगढ़ पीजीआई में 2 लोगों को दाखिल किया गया है। इस प्रकार शिमला, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से भी सूचना मिल रही है कि वहां भी कोरोना वायरस स्थगित लोगों को एडमिट कराया गया है। इस प्रकार जेबीसी से आए एक मैकेनिक को कोरोना वायरस न होने पर भी वापस भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार ये विदेशी डेराबसी के होटल में रुका था, जो कि फैक्ट्री में मशीन इंस्टॉल करने आया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस जाने के लिए बोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर से रोक को हटाते हुए केंद्रीय बैंक के फैसले को पलट दिया है। केंद्रीय बैंक ने अप्रैल 2018 में क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाते हुए इस वर्चुअल करेंसी के जरिया ट्रेंडिंग न करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है। पंजाब विधानसभा में आज आखिरी दिन कई बिल पारित करने के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। इससे पूर्व सुबह आम आदमी पार्टी व अकाली दल के विधायकों ने सड़क पर सरकार को घेरा। अकाली विधायकों ने बजट के खिलाफ व नशा तस्करी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। वहीं विधायकों ने महंगी बिजली, किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। इसी बीच कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने सरकार को घेरा। वहीं अकाली दल के विधायक पवन चिन्नू अकेले ही स्पीकर के खिलाफ सदन में नारेबाजी करने लगे। इस दौरान चिन्नू वित्त मंत्री मनप्रीत के पास पहुंच गए। चिन्नू ने मनप्रीत से कुछ कहा, इस कारण मनप्रीत गुस्से में आ गए। इससे कुछ कलवीर जीरा, बरिंदर मीत सिंह पहाड़ा चिन्नू की तरफ बढ़े। मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। स्पीकर ने 15 मिनट के लिए हाउस को स्थगित कर दिया। हरियाणा विधानसभा में कार्रवाई जारी थी, जबकि कई बार हंगामा होता रहा। आज सुबह सदन में नशे के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दबकर हंगामा हुआ। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस विधायक कृष्ण हुड्डा के नाम से एमएलए हॉस्टल में एक युवक रुका था, जो कि नशे के साथ पकड़ा गया था। जब हुड्डा ने कहा था कि सदन को गुमराह किया जा रहा है, युवक कमरे में नहीं पकड़ा गया, अगर कमरे में पकड़ा जाता तो जिम्मेवार थे। इस बारे को लेकर हंगामा हो गया है। अभी कई अन्य मामलों पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नगर के फरीदाबाद सेक्टर 17 स्थित निवासी पर प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नगर के साथ उनके समर्थकों के घर पर भी प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़े हैं। दिल्ली हिंसा को लेकर संसद के दोनों सदनों में तीसरे दिन भी सियासी संग्राम जारी रहा। एक तरफ जहां सरकार होली के बाद भी इस मुद्दे पर दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष अभी भी चर्चा करना चाहता है। बुधवार को दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा को जहां 2 बजे तक, वहीं राज्यसभा को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। चलिए अब तक के लिए इतना ही, और फिर लौटूंगी आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें लेकर। और देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।